हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 5 मिनट, 5 एक्सरसाइज और 5 साल जवान। किस तरीके से हम कुछ एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो करके हमारी स्किन को, हमारे फेस को 5 साल जवान बना सकते हैं। ये रेगुलर आप करेंगे सिर्फ अपनी बॉडी के लिए। 5 मिनट निकाल के आपको देना है कभी भी, सोते, जागते, गाते, खाते तो नहीं, जब टीवी देख रहे हो, जब बोर हो रहे हो। खैर कोरोना में तो अभी सब लोग घर पे ही बैठे हैं लॉकडाउन के समय, मगर 5 मिनट तो अपनी बॉडी के लिए आप निकाल ही सकते हो। तो ये जो 5 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप डेली करते हो, तो आपकी स्किन की जो स्किन है वो टोन अप रहेगी और आप जवान दिखेंगे, 5 साल यंगर दिखेंगे। और खैर मैंने 30 साल का था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था ये एक्सरसाइज। मुझे बहुत मतलब मुझे किसी फ्रेंड ने बताई थी ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे मेरी कोई ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड था, उसने बताई थी। वो जब से मैं ट्राई करो, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं भी धीरे इरेगुलर करता हूँ, मगर यस मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। अभी मैं 36 का हूँ और स्किन टाइट है, थोड़ी बहुत तो टाइट है ही मेरी, बट यस अगर करते रहेंगे तो क्या बुराई है। विदाउट कोई खर्चा हो नहीं रहा है, कोई क्रीम नहीं लगानी है आपको, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है आपको मेरे पास आके लाखों रुपए का जवान रहने के लिए। बट मैं आपको 5 मिनट के लिए 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप रेगुलर अपने घर पर करिए और जवान हो जाइए। खैर अगर मेरा टॉपिक ये पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे एक बेल बटन उसको दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ कोई अच्छा सा तो आपको फट से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, 5 योगा। देखिए हम सबको पता है हम जिम जाते, आप लोग बहुत से लोग जिम जाते होंगे, कोई मसल बनाने के लिए जाता है, कोई अपनी बॉडी को टोन अप रखने जाता है, कोई साइकिलिंग चलाता है, कार्डियो करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जब मसल को यूज़ करते हैं तो वो टोन अप रहती है, अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो लुल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिम जाऊँगा तो मेरी मसल टोन अप रहेगी, मगर जिम नहीं जाऊँगा तो वो लुल हो जाएगी। सेम हमारे फेस का होता है, जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी स्किन की जो फेस की मसल होती है वो टोन खोने लगती है कम, हम उसको रेगुलर सारी मसल को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। हमारे कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होते हैं, किसी के कोई गुस्सा वाला होता है तो यूँ देखता है, कोई खुश रहता है तो हंसता रहता है। तो सबके अपने अपने मसल फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी मसल टोन अप रहती हैं। मगर जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, पॉल्यूशन के डैमेज और डाइट में और बहुत सी चीज़ों में जो होता है, हमारी फेस की मसल लूज़ होने लगती है, उसकी टोन खत्म होने लगती है। जैसे जैसे टोन खत्म होती है वो लटकने लगती है, ऐसे डाउन हो जाती है। तो हमको हमारा एम क्या है, हमें मसल को टोन अप रखना है, टाइट रखना है। जैसे हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, मसल को टोन रखते हैं, बॉडी को टोन रखते हैं, सेम अगर हम फेस की योगा करेंगे, फेस की मसल की एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी टोन अप रहेगी और आप जवान दिखेंगे, मतलब आप लूल से नहीं दिखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बचपन में बहुत सारे बच्चे करते होंगे, मैंने बहुत किया है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने मुंह में हवा भरना है, ऐसे फोड़ना नहीं है, मुंह में हवा भरना है, एक साइड पहले भरना है, गाइज ये मेरे को देखो मत, साथ में करो, है ना, ये मेरे साथ आपको करना भी है। ओके तो पहले आपके मुंह में हवा भरना है एक साइड, ठीक है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का वेट करना है, टाइट रखिएगा, ठीक है, और फिर उसको हवा को इस साइड फेंक देना, फिर इस साइड फेंक देना, फिर इस साइड फेंक देना, ठीक है। स्टार्ट साथ में करेंगे हम लोग, हाँ साथ में करना है, मेरे हवा भरिए, ऐसा आपको 10 बार करा आपने, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज होगी, बहुत सिंपल है, घर में बैठे बैठे से पड़े पड़े टीवी में देखते देखते, मूवी देखते देखते कर लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर में कोई नहीं दिखता है। दूसरे में करना क्या है, आपको हंसना है। अब बोलोगे हंसना तो बहुत ईजी है, बट करना क्या है, अंदर मुंह को अंदर, गाल को अंदर खींचना है और फिर हंसना है, गाल को अंदर खींचिए और फिर हंसिए, मैं बहुत फनी लग रहा हूँ ना, आप भी लगोगे, मगर ये एक्सरसाइज हमारे स्किन को यहाँ पे टोन खींच के रखेगा, आपको फेस को अप कर देगा। तो जवानी के लिए मैं फनी दिखने के लिए तैयार हूँ, आप भी दिखिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स
अंदर खींच के आपको हंसना है, हंसेंगे तो ऊपर जाएगा मसल, ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ की मसल आपको देखो, मैं कर रहा हूँ तो मुझे झुंझुनी सी फील होने लगी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो मसल यूज नहीं हो रही हैं वो भी टोन अप होंगी, वर्क करेगी। इसके बाद आपको करना क्या, मैं बहुत जल्दी फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि क्विक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। जस्ट इमेजिन, बचपन में तो आपने बहुत किया होगा, एक जस्ट इमेजिन आपके मुंह में पैन फंसा है, पैन डालना नहीं मुंह के अंदर, जस्ट इमेजिन करना, बट मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या करना है। इमेजिन करना आपके होंठों में पेन फंसा है और आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, मेरा नाम मत लिखना, चाहो तो लिख सकते हो बट अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन ऐसा करना आपको ना, आप बहुत माइल्ड बारीक मूवमेंट हो रहा है, आपको इमेजिन करना हवा में आपको नाम लिखना है, ओके। इमेजिन करना कि आपके मुंह में पेन फंसा है और उससे आपको नाम लिखना है, ठीक है। मेरा नाम थोड़ा बड़ा है तो वो टाइम लग गया, ऐसा आपको 10 बार लिखना है, ठीक है। इमेजिन करना मुंह में पेन नहीं डालना है, मैंने आपको डाल के दिखाया, जस्ट आपको इमेजिन करना क्या, पेन से नाम लिख रहे हो, मुंह में फंसा के पेन से नाम लिख रहे हो, तो मुंह में डालना नहीं है आपको, ठीक है, आपको जस्ट इमेजिन करना है। ये हो गया, और तीन हो गए, ठीक है। एक है नेक को टाइट करना, टेन टाइम्स करना है, और एक सबसे कॉमेडी वाली जो मुझे लगती है थोड़ी सी, मैं कॉमेडी सारी लगती है, आप लोग हंसी रहे होंगे, तो उसमें करना क्या है आपको, ये फोरहेड को अप करना है और आँखों को ऐसे करके ऐसे देखना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, हो गई, ये आँखों के लिए थी। तो गाइस ये पांच एक्सरसाइज हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको रेगुलर करना है, हो सके तो दिन में 2-3 बार कर सकें, जितनी बार ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, ये रेगुलर करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, ये नहीं कि अभी करा और फर्स्ट टाइम में आपको झुंझुनी फील होने लगेगी, मुझे तो फील होने लगा, मुझे टाइटनेस भी फील होने लगी है। जब इसको रेगुलर करेंगे तो आपको फेस में बहुत फर्क दिखने लगेगा, विद इन अ मंथ आपको फर्क दिखने लगेगा, ये लॉन्ग टर्म चलेगा, जब तक आप करेंगे तब तक चलेगा। तो गाइज वेट क्या करो, जल्दी जल्दी 5 योगा की एक्सरसाइज हैं, इनको करिए, और आपके आसपास के लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं आपके रिलेटिव हैं उनको भी, मुझे पता है आप लोग ये वीडियो को शेयर नहीं करोगे, आप नहीं चाहते वो लोग जवान दिखे, बट फिर भी किसी पे तरस खा के किसी पे दया आ जाए, मेरे पे दया करके वीडियो को शेयर मार देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, आपके लिए बेनिफिट के लिए है, और मेरा आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो फट से मैं आपको आंसर करूँगा, कोशिश करूँगा आंसर करने की, सबको कोशिश करता हूँ यहाँ पे रिप्लाई करने की भी, बट नहीं हो पाता तो आई एम सो सॉरी, बट फिर भी कोशिश करते रहो, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और ये योगा जरूर करना।